हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप तुम सारे ठीक हो गए। मैं अपना समीर सामने लैके आया एक नवा ब्लॉग। अगर वीडियो साड़ी पसंद आती चैनल सबसक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो थोड़े मोटिवेशन आए ही अज आप इतने पहुंचे तो होर मोटिवेशन दवो, प्यार होर साझा करो, कमेंट करो। तुम्हें किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम पर मैसेज करो। तुम किसी भी रिलेटिड इंफॉर्मेशन चाहिए आप इंस्टाग्राम पर जवाब जरूर देवे। तो अब तेरे सामने आप नवी जानकारी शेयर करा तो पहले भी तो कमेंट चेक करो। तो भी कह रहे थे भी कि उस टॉपिक पर वीडियो बनाओ कि पिंक तो पहले कि काम कर सकते हैं। तो अब आप उसी टॉपिक पर वीडियो तेरे सामने लैके आए हैं। तो वीडियो बने रहे हो, पूरा देखो, तो फायदे लिए वीडियो स्किप ना करो। तो चलो करते वीडियो की शुरुआत आज मेरे न। तो पहला तो ये स्टूडेंट का डाउट आ कि जी पिंक है वो 6 महीने बाद होंगी है, ठीक नहीं? सो इदा नहीं है। सो 6 महीने बाद नहीं पिंक आँगी, 6 महीने के अंदर ही पिंक आ जाती है। पिंक का कोई सीन नहीं होंगे है, ठीक नहीं? वह लक हों जिदा कि अपना वीजे का लक हों भी किसी का पहला या किसी का बाद हो गया, क्योंकि यह सारा काम अंबैसी का होंगे। सो अंबैसी सीरियल वाइज नहीं काम करती हैगी। तो जी मतलब लक आ गया, जिसे पहले हाथ च फाइल आ गई वो पिंक आ गई। सो कई जी 6 महीने के बाद भी आ जाती, 6 महीने पहला भी आ जाती, उस एक डेट होंगी भी अपना इतना भी दे दें भी इन्नी तरीक तक तेरा काम होजू। सो अगर मैं तुम्हें अपनी गल करा तो मैं अप्रैल के लास्ट बच्च अपना अकाउंट खुलाया, तो मेरी मई के लास्ट बच्च ही पिंक आ गई थी। एक मंथ के बाद ही मेरी पिंक आ गई थी, जाने कि 3 महीने के अंदर ही पिंक आ गई थी। सो इदा नहीं होंगे भी पिंक थोड़ी 6 महीने के बाद ही पक्का भी आऊगी। तो जी हाथ से फाइल आ गई, लक से डिपेंड आ जी फाइल आ गई, वह कर सकते हैं। हालांकि कईयों ये भी प्रॉब्लम है, जिदा कैनेडा च रूल है, इंग्लैंड च रूल है भी स्टूडेंट इन्ने घंटे काम कर सकता, इस तो बाद घंटे काम नहीं कर सकता। सो इतने इन्ना रूल नहीं है भी घंटे को कोई नहीं पुछता तुम्हें, इतने 12 घंटे काम करो, सारा दिन करो, रात करो। सो इतने घंटिया इन्ना नहीं पुछते है, इतने तो जिन्ना काम मिलता उन्ना तुम कर सकते हो। साइप्रस इन्ना नहीं, हालांकि अपने जोड़े अकाउंट से ज़्यादा सैलरी नहीं पवा सकते। 2000 तो वह सैलरी अगर तुम पवाओगे अकाउंट तो अकाउंट फ्रीज हो जाना। सो उत्थे घंटे मैं करने उन्होंने गहने भी तुम किन्ने घंटे काम किया, तो इन्ने पैसे थोड़े अकाउंट किन्ने आ गए, क्योंकि स्टूडेंट को अलाउ नहीं है। बाकी बाहर फॉल्स भी नहीं बचती भी तुम्हारा किन्ने घंटे काम कर सकते किन्ने नहीं। सो इन्ना नहीं है साइप्रस। हालांकि निकोशिया की आप गल करिए, निकोशिया वाधू स्टिकनैस हो गई, निकोशिया तो इन्नी तुम दस नहीं सकता भी इन्नी ज़्यादा स्टिकनैस हो गई। थान थान पुलिस पुछ ली भी रात में सिल्वर वर्दी से पुलिस घूमती है भी चैकिंग करती है, जो नवे नवे स्टूडेंट आँगी उन्होंने पुछती भी तुम की कर रहे हो साइप्रस कि, ठीक नहीं? तुम की आँ क्यों? क्योंकि साइप्रस जोड़े कि नशा वध रहा है, इतों के लोग ही जोड़े मतलब भंग भुंग बेच रहे हैं, जोड़े जवाक जे वो ही ज़्यादा इतने करते इदा ने कम, तो भंग बेच रहे हैं। जिदा कि स्नैचिंग का मतलब कि केस नहीं है कि रोबरी रूबरी नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा कि व्हीकल ही चोरी होंगे है, मतलब कि कुछ चीज़ खड़ी वो चक के लै जाने, मतलब कि कोई खाली बिना लॉक तो चीज़ है कि वो ही चक के लैके जाते। हालांकि नशिया का भी संबंध बढ़ रहा, अद्धा साइप्रस का इतने सैकटा पीता, इदा कोई भी टब्बर मैंबर होगा जो सैकटा नहीं पीता, इतने अद्ध तो वह तो ज़्यादा लोग इतने सैकटा पीते हैं, ठीक नहीं? वह ज़्यादा चक्कर आ। तो गल करिए मेन टॉपिक की, साइप्रस आपां नूं किहड़ा किहड़ा काम करने चाहिए पिंक स्लिप तो पहला। तो आप देखो जी, जो साइप्रस आप आने तो एमीग्रेसन पहला कराओ, एमीग्रेसन मेन, एमीग्रेसन तो बाद ही काम शुरू करो। तो पहला जी दिहाड़ियाँ देखो, जिते तुहानूं दिहाड़ियाँ लगदियां लाओ, ठीक है नी? जिन्नियां दिहाड़ियाँ, हालांकि पिंड च बहुत दिहाड़ियाँ होंदियां, सो ये कोशिश करो कि तुहाडे पिंड च किसी भी यार दोस्त नाल लिंक बन जाए, रिश्तेदार ना। सो ते फार्मा दे बड़ा काम होंदा, फार्मा दे काम रहिंदा ही सदा बहार। सो इदा ने अपने लिंक बनाओ कि तुहानूं पिंड च कोई यार दोस्त जानता हो, ठीक है नी? कि तुहानूं आराम नाल काम पिंड च दिहाड़ियाँ लगाई जाए, तुहानूं हफ्ते च 3 दिहाड़ियाँ भी मिलदियां बहुत आ, ठीक है नी? 3 दिन अपनी दिहाड़ियाँ लाओ, 3 दिन अपनी क्लासा लाओ, 3 दिन काम करो, 3 दिन क्लासा लाओ। तो बाकी आप होर गल करिए काम की, तो कार वॉश का तुम काम कर सकते पिंक स्लिप तो पहला। कार वॉश का इदा काम भी तुम बैक साइड के होंगे, कार वॉश का काम तुम पेट्रोल पंप से तो काम बिल्कुल बिना करो, ठीक नहीं? मोहरे जो काम तुम फ्रंट से कोई भी काम हो, किसी भी जगह काम हो, फ्रंट से ना काम, क्योंकि फ्रंट से ज़्यादा चैकिंग होंगी है। सो बैक साइड तुम कार वॉश का काम कर सकते हो आराम, ठीक नहीं? आराम ना काम करो पिंक स्लिप तो पहला, ठीक नहीं? तो मेन चीज़ अपने जिहड़े मालक नूं जिथे भी तुम काम करना तो उत्थे अपनी जिहड़ी फाइल आ पासपोर्ट ते उन्हों इमीग्रेशन स्लिप दिखाओ भी मेरे को है पेपर। सो थोड़ी रिस्पोंसिबिलिटी जिहड़े चक सके भी हाँ मुंडा इत्थे काम करन दे लायक हैगा जां नहीं हैगा, ठीक नहीं? उन्होंने रिस्पोंसिबिलिटी तां ही चकोगे अगर तुम उन्हें पेपर दिखाओगे, नहीं तो अगले कुछ नहीं बोलते, अगले कहते लै जाओ चक के, साडा कोई जिम्मेवार नहीं है, तुम चक सकते हो।
ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਦੋ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਕਈ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਆਈਨੱਪਾ ਸਾਈਡ ਲਾਰਨਾਕਾ ਸਾਈਡ ਜਿੱਥੇ ਬੀਚ ਆ ਬੀਚ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਕ ਸਲਿਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਰੇਟਾਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਿਮਾ ਸੋਲ ਜਿੱਥੇ ਬੀਚ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਕੋਸ਼ੀਆ 'ਚ ਬੀਚ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਟ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਿਕਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਚੌਂਕ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਪ੍ਰੈਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲੇ ਘੇਰਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਟਰੀਟ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਘੁੰਮਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਘੁੰਮਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ ਅਗਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੋਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦਾ ਫਰੰਟ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਾ ਜੋਬ ਕਰੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਤਾਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੋਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਲੀਨਰ ਦੀ ਜੋਬ ਮਿਲਦੀ ਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿੰਕ ਸਲਿਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਵਾਸ਼ਰ ਜੋਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੋ ਇਹ ਚਾਰ ਕੁ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਧੰਨਵਾਦ।